क्लास ट्वेल्थ में स्कूल और जेडब्ल्यू कोचिंग एक साथ मैनेज करना देव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मॉक टेस्ट में भी फेल हो जाता है। उसने रट रट के इलेवंथ में तो स्कोर कर लिया, पर जेडब्ल्यू के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। तभी कोचिंग में देव को उसकी डेस्क पे 1000 पेजेस की दो किताब मिलती है, जिसपे लिखा था नोट्स फ्रॉम XIITN। और जैसे देव की लॉटरी लग गई, क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन थे, जिसको अगर कोई एवरेज बच्चा भी पढ़ लेता तो उसका भी सिलेक्शन पक्का था। देव उन बुक्स को अपनी जेडब्ल्यू की भगवद गीता बना लेता है और वेदिका को गलत साबित करने के लिए 13-13 घंटे पढ़ता है। एग्जाम के बाद फाइनली जब रिजल्ट आता है, मेंस क्वालिफाई करके देव ने जेडब्ल्यू एडवांस में वेदिका से 12 रैंक्स आगे निकाली थी। और स्कूल खत्म होके पार्किंग एरिया में देव सबके सामने फिर से एक और बार वेदिका का हाथ पकड़ के बोलता है, क्या बोला था तूने? औकात नहीं है मेरी, ले तुझसे ज्यादा रैंक से IIT फोड़ दिया। अरे बेवकूफ था मैं जो तुझसे प्यार किया, एक घमंडी टॉपर से ज्यादा कुछ नहीं है तू, और जा अब नहीं चाहिए तेरा प्यार। इतना सुनते ही वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए पार्किंग एरिया से रोड की तरफ भागती है और तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। पार्ट 5 इन द पिन कमेंट।